Assalamualaikum. कैसी है मेरी ब्यूटीफुल YouTube फैमिली वेलकम है आपका मेरे चैनल परिसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरे हॉल के साथ तो आप देखते हैं यहाँ पर बस मैं ये है कि क्लीनिंग क्लीनिंग करके अभी फारीग हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं क्योंकि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है तो खैर यहाँ पर बस मैं क्लीनिंग करके फारि हो चुकी हूँ तो अब मुझे करनी है वॉइस ओवर तो बस बैठ कर मैं वॉइस ओवर करूँगी अच्छा येलो लाइट किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा मुझे बहुत पसंद है और जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं जो येलो लाइट्स है ना उसको ऑन करती हूँ और फिर सुकून से बैठ जाती हूँ और फिर बाकी के जो मेरे काम होते हैं ना वो मैं करती रहती हूँ बड़ी कोजी कोजी सी फीलिंग आती है येलो लाइट्स से ना तो खैर हर किसी को पसंद भी नहीं होती है मेरा बस चले ना मैं पूरा दिन लाइट्स जो है ना येलो वाली वो ऑन करके रखूँ लेकिन हर किसी को पसंद नहीं होती है तो फिर अब दूसरों की पसंद भी देखनी पड़ जाती है तो खैर इसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में वॉइस ओवर की है मैंने और मैंने सोचा कि चले कल के खाने की तैयारी कर लेती हूँ तो आज मैं बहुत ही बेसन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कब मैंने बेसन लिया है उसमें हंस बसाइ का नमक किया है वन टी हल्दी पाउडर है वन टी मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है और वन टी ही मैंने इसमें जी साबू जीरा डाल दिया है टू टेबल स्पून इसमें ऑयल का जाएगा और बस इसके बाद हम इसकी जो सॉफ्ट सी डो है वो तैयार कर लेंगे अच्छा ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है मार्केट भी हम लोग चलेंगे साथ में बस ये है कि जो ये सब्जी है वो तैयार करेंगे उसके बाद जो घर के काम शाम है वो तो चलते ही रहते हैं आज पूरा दिन ही तकरीबन ना मेरा किचन में ही गुसरा है तो सभी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ ब्लॉग जो है आपने पूरा देखना है तो खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं जी बातों बातों में जो डो है वो भी तैयार है तो बस आपने हाथ पे इस तरह से ऑयल लगाना है उसके बाद आपने बस थोड़ा थोड़ा सा जो बेसन है ना वो लेते जाना है और इस तरह से ना इसको रोल करना है हैतीली पर अपने फिंगर्स की हेल्प से तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा अच्छा जरूर बताइएगा कि किस किस के घर में ये जो सब्ज़ी है ना वो तैयार की जाती है तो हमारे घर में तो लाइन बनती है बचपन से ही खैर मैं देखती आई हूँ थोड़ा टाइम तो इसको लगता है लेकिन बहुत यमी बनती है वो कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अच्छी ये जो सब्जी है वो तैयार होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने तकरीबन सारे जो ये गोदड़े कहते हैं हमारे घर में तो आपके घर में क्या कहते हैं ये भी बताइएगा तो बस वो तैयार कर लिए हैं अब इसको बस मैंने फैला दिया है ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है ना वो थोड़ी हार्ड हो जाए और उसके बाद बस फिर बाकी तैयारी हम बाद में करेंगे तो खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं फजर के बाद का ही टाइम है सो गई थी मैं अभी भी तक घंटे के लिए तो बस हम उठे हैं नमाज वगैरह पढ़ी है तो मार्केट आ गए हैं यहाँ पर बस हम लोगों ने कुछ एग्स वगैरह ब्रेड इस तरह की चीजें चाहिए थी तो हस्बैंड और बच्चे आ रहे थे मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ थोड़ी बहुत ये है कि मेरी भी आउटिंग हो जाएगी और मुझे तो वैसे भी फजर के बाद का जो टाइम है ना वो बहुत पुर सुन लग लगता है बहुत अच्छा लगता है परिंदों की चारचाहट और वैसे भी ये है कि ठंडी ठंडी हवाएं इस टाइम पर चल रही होती हैं तो बड़ा मज़ा आता है हल्की हल्की सी रोशनी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ना तो बस घर के पास ही हम लोगों के मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है लेकिन आ, बस ये है कि हम लोग आए गाड़ी में ही आए तो बच्चे साथ थे इस वजह से फिर यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अकेले हो ना तो फिर यह है कि इंसान वॉक करता हुआ आ जाए लेकिन बात वो ये है कि बच्चों के साथ अपनी जो ख्वाहिहिश आता है ना थोड़ी बहुत वो आगे पीछे करनी पड़ जाती हैं तो खैर यहाँ पर बस आप देख रहे हैं बच्चों के काम ट्रॉली जो है ना बच्चों ने छोड़ने से यहाँ पर इनकार किया हुआ था इनको बस ये था कि हम लोगों ने चलानी है अच्छा इसके बाद बस मैं घर आई हूँ नाश्ता वगैरह मैंने करवाया है बच्चों को हस्बैंड को और खुद भी मैंने कर लिया था तो फिर थोड़ा बहुत ना ये है कि आटा जो है ना बना हुआ रखा था तो मैंने सोचा कि चले इसको मैं जो थोड़ा बहुत रहता है ना तो इसको मैं पराठे बनाकर ना फ्रीज़ कर देती हूँ तो बस यहाँ पर यह है कि छोटे छोटे मैं पराठे बना रही हूँ ताकि बच्चे भी खा लेंगे इन्जॉय कर लेंगे और लेयर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पराठों की जो है ना वो बनी है तो बस यहाँ पर यह है कि मैंने हाफ कुकीस को कर लिया है और मैं फ्रिज में रख दूंगी अच्छा मैं कभी भी डो जो है ना अगर भच जाए ना इस तरह से तो उसको मैं पराठे वगैरह बनाकर ना फ्रीज कर देती हूँ इससे यह है कि जो आटे का जो कलर है ना वो कभी भी डार्क नहीं होता है तो खैर यहाँ पर बस ये ये है तकरीबन दोपहर का टाइम तो शामी कबाब फ्राई किए जा रहे हैं तो हस्बैंड को लग गई थी भूख तो मैंने सोचा चलें एक दो ये है कि मैं भी शामी कबाब ले लूँगी साथ में मामू हैं बच्चों के और हस्बैंड हैं तो हम लोग इन्जॉय कर लेंगे और जो हल्की फुल्की भूख है ना उसका भी इलाज हो जाएगा तो खैर यहाँ पर आप देख रहे हैं बस ओ, मैंने आप चाहें तो इसको ओवर नाइट के लिए बना के रख दें या तो फिर यह है कि इस तरह से फ्राई करके भी आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं तो बहुत ईजी रह जाता है क्योंकि बनाने में यह है कि थोड़ा टाइम तो इसको लगता है लेकिन बात वही है कि अगर चीज़ बनी हुई रखी हो ना तो फिर तो कुकिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो यहाँ पर बस ये है कि उसी ऑयल में अब हम बाकी का काम कर लेंगे वैसे तो आपने देखा है कि इसको ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया है क्योंकि प्याज हो गए कोई भी चीज़ हम ऑयल से निकालते हैं ना तो पाँच दस मिनट तक वैसे ही अपना थोड़ा जो कलर है ना वो डार्क कर लेती है तो कोशिश यही करें कि थोड़ा गोल्डन होने से पहले ही चीज़ को निकाल लिया जाए तो बेहतर है तो इसके बाद बस इसमें यह है कि प्याज ज़्यादा जाते हैं तकरीबन चार मीडियम साइज़ के प्याज से जो स्लाइसिस में कट करके मैंने उसको फ्राई किया है थोड़ा सा बस कलर चेंज हुआ है तो मैंने निकाल दिया तकरीबन तीन प्याज मैंने अलग कर दिए हैं और एक प्याज का अब हम मसाला तैयार कर लेंगे आ, इसी में मैंने जी जिंजर गार्ली का पेस्ट डाला है दो टमाटर डाल दिए हैं और साथ में बस वही ज़रूरत जो मसाले हैं बेसिक मसाले घर के वो डाल दिए हैं साथ में एक तो मैंने सब्ज़ मिर्च भी कट करके डाल दी थी मसाला भुना है तो बस अब जो हमने ये गोदड़े और प्याज जो फ्राई करके कर रखे हुए थे इसमें वो ऐड कर देने अच्छा इसको ये है कि अच्छा खासा टाइम लगता है गलने के लिए ना तो आपने पानी भी अच्छा खासा ही इसमें ऐड करना है अच्छा अब पर आपने देखना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है या फिर थोड़ा सा शोरबा रखना है अच्छा मैं ग्रेवी सी ही रखूंगी तो बस मैं इसको यह है कि प्रेशर कुकर में कुक कर लूंगी तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए जितना बस आप गोश्त गलने के लिए टाइम देते हैं आपने उसको इतना टाइम देना है और लीजिए जनाब बातों बातों में जो हमारा मज़ेदार सा खाना है वो भी तैयार है तो लुक आप देख सकते हैं ऑयल आपको यह है कि कम ही नज़र आ रहा होगा क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑयल था ना वो मैंने सारा निकाल दिया हुआ है क्योंकि घर में कोई भी पसंद नहीं करता है तो जरूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और बताना है कि कैसी लगी है इसके बाद बस अब आपने लगानी है जंप और मेरे साथ चलना है मार्केट <laughs> तो ये देखें जी जादू हुआ है और मार्केट हम पहुंच चुके हैं अच्छा हम लोग ये है कि बच्चों को झूले झूले दिलवाने गए थे तो मैंने सोचा कि अब आया शॉप्स में चलते हैं तो देखते हैं कि शायद कुछ नया आया हुआ हो क्योंकि जाहिर है आगे ईद भी आने वाली है तो मैंने सोचा कि चले एक नजर डाल लेते हैं अगर कुछ अच्छा लग गया तो फिर ईद के लिए एडवांस में लेकर रख लेंगे लेकिन ये है कि इतना भी कोई खास पसंद नहीं आया ये है कि सिंपल अगर आपने यूज़ के लिए लेने हो घर के लिए तो अच्छे हैं अबाया ना यह है कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और नॉर्मली इनकी प्राइस थी हंड्रेड रियाल वन टवेंटी रियाल इस तरह से थी अच्छा मैं आई हुई हूँ जी फ्लेमिंगो मॉल में तो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज कलेक्शन है अबाया कि अच्छा ये वाला ना मुझे बड़ा पसंद आया था एक तो इसका कलर बहुत प्यारा था और दूसरा ना इसका स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह से ना तो वही बात है कि अगर आपने घर यूज़ के लिए लेने हैं ना तो बेस्ट हैं कहीं यह है कि मार्केट वगैरह आना जाना हो या इस तरह से तो अच्छे रहते हैं इस तरह से हाँ ईद के लिए मुझे इस तरह से कोई नहीं लगा है क्योंकि ईद के ईद जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपाया जो है ना फैंसी हो तो उसकी एक तो लुक अच्छी आती है और दूसरा फिर लगे तो सही कि ईद है तो यहाँ पर तो यह है कि ड्रेसिस वगैरह इतने ज़्यादा नज़र आते नहीं हैं क्योंकि ईद वग़ैरह पर बाहर घूमने जाना होता है तो कोशिश भी यही रहती है कि अपाया इस तरह से हो थोड़ा फैंसी और साथ में बस ये है कि हैंड बैग्स वगैरह इस तरह के हों तो खैर यहाँ पर बस आप देख रहे हैं हम लोग जो है वीडियो फिल्म कर रहे हैं और साथ साथ बस ये है कि मैंने सोचा कि देखते चलते हैं अगर कुछ अच्छा लग गया तो आ, अच्छा कलर्स अब आया जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल इन है तकरीबन हर मार्केट में ही ना ये पड़े हुए हैं कलर्स अब आया तो खैर ये है कि मैंने इतनी ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई हाँ ये है इस शॉप में ना अबाया बहुत बहुत अच्छे हैं क्योंकि काफ़ी फर्स्ट फ्लोर पर सेकेंड फ्लोर पर काफ़ी अबाया शॉप्स जो है ना आपको मिल जाएंगी अगर चाहिए ना ये है कि डिफरेंट स्टाइल हैं और थोड़े अच्छे भी हैं बहुत ना तो खैर ये वाला भी बड़ा प्यारा लग रहा था आ, इस तरह के अपाया जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं जो अम्ब्रेला में होते हैं तो खैर आजकल मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े अम्ब्रेला अबाय लाएँ क्योंकि दोबारा से एक तो वो होता था, था ना कि आगे से जो अम्ब्रेला अबाया है वो बंद होते थे और ऊपर से फिटेड वो अच्छे नहीं लगते थे ये हाँ ये है कि इस तरह के लूज वाले हो ना अम्ब्रेला वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके बाद बस ज्वेलरी शॉप नज़र आ गई मुझे जो कि बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी सिल्वर में थी और साथ में ये है कि आपको गोल्ड वाली जी जो है वो आर्टिफे में नजर आएगी आ, पर यह है कि इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं। तो बच्चे भी बस आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों को अब हम लोग जाएंगे घर क्योंकि टाइम जो है काफी ज्यादा हो गया था मॉल तकरीबन पूरा ही बंद हो चुका था तो बस इक्का दुक्का लोग ही थे जो आपको नजर आ रहे हैं तो खैर बस ये है कि हम लोग भी अब जाएंगे घर क्योंकि बच्चों के साथ ना झूले चूल्ले दिलवाते हुए बच्चों को काफ़ी टाइम हम लोगों को यहाँ पर गुजर चुका है तो अब बस घर की तरफ जाएंगे तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पुराने वाले कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा जो व्लॉग है वो देख रहे हैं थैंक यू फॉर वाचिंग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बताइएगा आज जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप लोग मेरी वीडियो देखें तो कुछ सीख कर भी जाएँ एंटरटेन होकर भी जाएँ तो ज़रूर बताइएगा इस कोशिश में मैं कामयाब हुई हूँ कि नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग